सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोमन राणा, देवभूमि उत्तराखंड, जिला चमोली, गैरसैंण, खनसर घाटी, ग्राम जोचरा मल्ला का निवासी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी किचन एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रही है और मैं आज यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा कि ये सोसाइटी कब बनी और मैं भी यहाँ पर नौकरी करता हूँ और कब से मैं यहाँ पर नौकरी करने आया। यहाँ के सोसाइटी के बारे में पूरा आप लोगों को मैं बताऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। दगड़े सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, 9 बज के 30 मिनट हो चुके हैं अभी। इस तरह से यहाँ पे मौसम है। इस तरह से श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे बना रखी है, फोटो बना रखी है बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये कॉटेज है 1 BH, सिंगल मतलब एक रूम और उसमें किचन 2 बाथरूम के साथ। और ये सामने जो फ्लैट है इसी में मैं काम करता हूँ। और ये सुंदर सी सोसाइटी बनी हुई है, आप देख रहे होंगे, ये 3 BHK है बड़े से कॉटेज। और ये सोसाइटी का मेन गेट है, इधर ये मेन गेट है। और ये 30-35 गाड़ियों की पार्किंग। अभी भी यहाँ पे कॉटेज बन रहे हैं और सुंदर से पहाड़ ऊपर को बहुत अच्छी लोकेशन में ये सोसाइटी बनी है भवाली में। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ फ्लैट में, इस तरह से आपको दिखाते हैं। इधर ये डाइनिंग हॉल, बढ़िया से सोफे रखे हुए हैं, ये डाइनिंग टेबल है, ये साथ में किचन और ये बेडरूम। बेडरूम से आपको बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से मेन गेट दिख रहा है। यहाँ से 2 BH, इसमें 2 रूम है। दूसरे रूम से आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा किस तरह से दिखता है। ये है दूसरा रूम और सामने इस तरह से ये बाहर का नज़ारा दिख रहा है, सुंदर सा व्यू। ये बेडरूम है, जैसे गेट खोलेंगे बाहर को बालकनी में आते हैं तो सामने हमें ये सुंदर सी सोसाइटी दिखती है, ऊपर को ये पहाड़। कुछ इस तरह से है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी का नाम है विंड जेम्स हॉलिडे होम्स। ये सुंदर सा नज़ारा और ये छोटे छोटे सिंगल 1 BH कॉटेज जो बने हुए हैं इस तरह से। नीचे बिल्कुल सामखेत है, जो नीचे यहाँ दिख रहा है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामखेत है। और जो लास्ट चोटी आपको दिख रही होगी इसके पीछे, वहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर है। और यहाँ पे छोटा सा गांव है भवाली का, गांव का नाम है कहलकुरा। और तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कम से कम इसी तरह के 12 रूम अवेलेबल है। कोई भी अगर आना चाहे तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कौन कहाँ से मेरी वीडियो या ब्लॉग देख रहे हैं। तो यहाँ पर नैनीताल में आके भवाली से 1 किलोमीटर की दूरी में हमारी ये सोसाइटी। पूरा चीड़ का जंगल है, सामने आपको दिख रहा होगा, जिसको पाइन भी कहा जाता है। रूम के बाहर आप जैसे बालकनी में आओगे तो ये सुंदर सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ से अंदर को रूम का रास्ता। और जो यहाँ पे 1 BH कॉटेज हैं ये भी रेंट पे लगते हैं। यहाँ पे दूर दूर से गेस्ट आते हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और लखनऊ से, बरेली से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं एंजॉय के लिए। बालकनी से कुछ इस तरह से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से भवाली 1 किलोमीटर की दूरी में है और घोड़ाखाल 5-6 किलोमीटर की दूरी में है। और कैंची धाम यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी में, नैनीताल 12 किलोमीटर की दूरी में, और यहाँ से भीमताल 13 किलोमीटर की दूरी में है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने अपनी सोसाइटी के बारे में बता दिया है। बाकी आपको जिसके बारे में हम बता रहे थे कि ताऊ जी आपको बताएंगे सोसाइटी के बारे में, उनसे अभी बात करते हैं। देखिए ना आप कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, ये मस्त तरीके से फूल खिले हैं।
और मौसम भी बहुत बढ़िया है आज का। अच्छी धूप है पहाड़ों में आजकल, उतनी ठंडी है। शाम के 3-3.5 बजे के बाद थोड़ा ठंड शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा नज़ारा देखिए आप। तो ये देखिए हमारे ताऊ जी यहाँ पे आ चुके हैं, ये आपको बताएंगे इस सोसाइटी के बारे में, किस तरह से इस सोसाइटी का निर्माण हुआ है, कब से हुआ है। ये अभी ताऊ जी आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार, ठीक ठाक से? सब बढ़िया है फर्स्ट क्लास। अच्छा, तुम सुनाओ। बस सब बढ़िया ताऊ जी। अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा था, आप मेरे YouTube फैमिली को कुछ बताएंगे इस सोसाइटी के बारे में? बताएंगे हम तुम्हें। तो कब से ये सोसाइटी शुरू हुई थी? 2004 से शुरू हो गई थी। अच्छा। हाँ जी जी। और हमने 2013 में ज्वाइनिंग की थी। बिल्कुल ठीक है जी। और ये जो दिख रहा है जी, 3-4 फ्लैट हो गए, 2-3 कॉटेज हो गए, ये मेरे सामने बने हैं। अच्छा, जब मैं शुरू में आया था। हाँ हाँ। अब बाकी जो है ये सब नए बने हैं। अच्छा। ये तो मतलब 2023 में हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है इधर का काम। अच्छा। अभी कुछ और बनने वाले हैं। ठीक ठीक। वहाँ हमारी वो है, क्या नाम है उसका, रेस्टोरेंट, ऊपर रेस्टोरेंट टॉप में है, वहाँ भी कुछ हम बनवाने वाले हैं अभी कुछ। बिल्कुल। हाँ जी, कॉटेज जी। और क्या कहें, अब हमारा काम प्रोग्रेस में है मतलब। अच्छा। हाँ जी, चलो। हमारे मेहता जी ने जो है यहाँ पे निर्माण किया था। अच्छा, निर्माता मेहता जी हैं। मेहता जी है। श्री पूरा नाम क्या है? श्री चैन सिंह मेहता है। अच्छा, चैन सिंह मेहता। महेंद्र सिंह मेहता बोलते हैं वैसे जी। वो भवाली के बिल्कुल माने जाने आदमी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव, बहुत खास आदमी हैं वो, यहाँ के बहुत ही अच्छे आदमी हैं जी। उन्होंने यही सोसाइटी सबसे पहले, वो निर्माता यही हैं, बाकी उन्हीं के हैंड से बनी है जी। बाकी इसके ओनर गुड़गांव से हैं, श्री विक्रमजीत नेहरा जी, जो हमारे बॉस हैं, मालिक हैं, इस कंपनी के मेन मालिक वही हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस सोसाइटी इन्होंने बड़े प्यार से, दिल से बनाया है। तो इस तरह से बना हुआ है ये सोसाइटी। तो ताऊ जी आपको कितने साल हुए यहाँ पे? आप तो मेरे से पहले आ गए थे ना? मैं 13 में आ गया था यहाँ, 2013 में। अच्छा। तो मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा। 10 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, मैं भी 2019 में आया था, 22 मई को। जी जी। हाँ, 24 लग गया है जी। हाँ, 4 साल हो गए आपको जी, भी चलो। तो बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप बहुत पुराने हैं यहाँ पे, सीनियर एकदम। तो इस तरह से हमारे ताऊ जी बहुत पुराने हैं यहाँ पे सोसाइटी के। उनको सब कुछ पता है कि इस सोसाइटी बनाने में कितना खर्चा लगा, लागत क्या लगी, वो सब कुछ पता है। और उससे ज़्यादा पता उनको है, मेहता जी को है, जो इस सोसाइटी के निर्माता हैं, श्री चैन सिंह मेहता ना जी, वही उनका असली नाम है। और भवाली सामकेत के माने जाने आदमी, जो कि बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, सभी लोग जानते हैं उनको। गरीबों को जाता है जी, गरीबों के लिए बहुत अच्छे हैं, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सोसाइटी बनी है। और बाकी आपको दिखाते हैं पूरी सोसाइटी के बारे में, कि ऊपर को कहाँ पर गार्डन है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर बना रखी है। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ के इस सोसाइटी के जो मैनेजर हैं, माय बिग ब्रदर श्री दान सिंह राणा जी, तो ये इस सोसाइटी का कॉमन गार्डन है। और हर साल यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर अच्छी गार्निश करी है, बहुत बढ़िया। इधर ये बॉनफायर एरिया, आजकल सर्दियों में ना गेस्ट लोग आते हैं, पर्यटन दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट, तो उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। इधर आग जलाने के लिए बनाया है बॉनफायर, यहाँ पर आग जलाएंगे और इधर ही बैठने के लिए बना रखा है, बहुत अच्छा। इसके ऊपर जो टीन ढक रखा है, जो कि बारिश से बचाव के लिए, अगर आदमी अंदर बैठे हैं तो वो बारिश से ना भीगे, पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था पूरी जारी है यहाँ पे। तो इस सुंदर से कॉटेज बने हैं। और इस सोसाइटी के अंदर भूमिया देवता का मंदिर भी है, ये देखिए। और जो घर यहाँ पे है कॉटेज, ये भी नोएडा वाले हैं, नाम नहीं बताऊँगा अभी, जब इनसे परमिशन लूँगा फिर पूरा कॉटेज अंदर खोल के बैठ
और बेडरूम किचन जो भी घर के अंदर है सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। वो है कॉमन गार्डन हमारा, जहाँ के बारे में अभी मैंने बताया था, ये बॉनफायर एरिया। और इस कॉटेज के ओनर है नोएडा से, ये देखो 3 BHK। इनका यहाँ पे ग्रीन हाउस भी है, ऑर्गेनिक सब्जी इसके अंदर, जो कि जब भी आते हैं तो इसी सब्जी को यहाँ पे हम लोग बना के उनको खिलाते हैं। तो मैंने जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि सोसाइटी कब से बनी है, ताऊ जी ने भी बता दिया है और कौन इसके निर्माता हैं। बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है, अभी काम चल रहा है इसमें, अभी भी बन रही है, बहुत अच्छी है सोसाइटी। और मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ और यहीं से आपको हर ब्लॉगिंग की शुरुआत मिलेगी। हाँ, बीच में हो सके तो अगर मैं घर चले गया अपने चमोली गढ़वाल गैस हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ ब्लॉग मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे इस सोसाइटी के इतिहास, कुछ मेरे को जितना ज्ञान था वो मैंने आप लोग तक शेयर किया। और आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।